दोस्तों, उम्मीद मत छोड़ना। जब तुमने अपने मन रूपी मंदिर में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए डिसीजन ले ही चुका है, तो आखिरी समय तक उम्मीद मत छोड़ना। तुम्हारा लिया हुआ डिसीजन एक न एक दिन तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचा ही देगा। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या इस संसार में, फिर आसान क्या इस संसार में, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, एक बात मैं कह देना चाहता हूं, मनुष्य की जिंदगी में सुख और दुख हमेशा साथ चलते हैं, इसलिए तुमको सभी तरह के समय के लिए तैयार रहना चाहिए। जब तेरे सामने दुख के समय आए, तू पूरी तरह टूटना मत, क्योंकि दुख के समय अधिकांश मनुष्य बुरी तरह टूट कर बिखर जाते हैं और आगे बढ़ने की उम्मीद को छोड़ देते हैं। तुझे टूट कर बिखरना नहीं है, तुझे निखरना है, तुझे सूरज की तरह चमकना है। जब तुम अपनी उम्मीद को जिंदा रखने के लिए संघर्ष करोगे, तो तेरे रास्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन तुझे इससे डरना नहीं। उस वक्त तुझे अपने धैर्य रखते हुए आगे बढ़ते जाना। मेरी बात को ध्यान से सुन। एक बार चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा, अगर किस्मत पहले लिखी जा चुकी हो तो कोशिश करने से क्या मिलेगा? इस पर चाणक्य ने जवाब दिया चंद्रगुप्त को कि क्या पता, किस्मत में लिखा हो कोशिश करने से ही मिलेगा, तो कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए तुम निरंतर लगातार कोशिश करते रहना। जब तुम अपने लिए हुए डिसीजन के तरफ निरंतर कोशिश करोगे, तो तुझे ऐसा लगेगा कि यह काम मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है। और जब तुम लोगों के सामने अपने डिसीजन का चर्चा करोगे, तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाना शुरू करेंगे। इसलिए तुम इन सब बातों को नजरअंदाज कर तुझे अपने लिए हुए डिसीजन के तरफ बढ़ना ही होगा। तुम अपने लाइफ में ये मेरी बातों को गांठ बांध लो कि जो कठिन संघर्ष करता, जो निरंतर प्रयास करता, जिसके अंदर काम करने का जज्बा होता, जिसके अंदर आत्मविश्वास होता, जिसके अंदर काम करने के प्रति ईमानदारी होता, उस व्यक्ति का लिया हुआ डिसीजन कभी गलत हो ही नहीं सकता। वह व्यक्ति अपने डिसीजन के अनुसार आखिरी उम्मीद तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता। इसलिए तुम्हारा डिसीजन तुमको तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचा ही देगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप सभी को मोटिवेशन जरूर मिला होगा। ऐसे वीडियो के लिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि ईच एंड एवरी संडे 11:20 से जो लाइव आता हूं, उस लाइव का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स नहीं किए तो जल्द ही कर दे। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव नाइस डे।